जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेफरेंस एलिमेंट्स के बारे में। तो रेफरेंस एलिमेंट में देखेंगे हम रेफरेंस लाइन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेफरेंस पॉइंट कैसे ड्रॉ किया जाता है, मीन्स कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट आज हम देखेंगे रेफरेंस लाइन के बारे में, वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पर लाइन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस एलिमेंट में, तो फर्स्टली यहाँ पर अभी हम ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लाइन टाइप आ रहा है, तो फर्स्ट अभी हमारे पास यहाँ पर है पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। तो फर्स्टली अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले एक हम पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, फिर उन्हीं के हेल्प से एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, तो फर्स्ट जैसे यहाँ पर ऑप्शन है कोऑर्डिनेट वाली, तो पहले मैं वही ले लेता हूँ। तो एक्स में यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी 200, एंड वाई में यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी 100, और जेड में यहाँ पर वैल्यू डाल दी मैंने 65। तो ऐसे एक्स वाई और जेड में मैंने एक वैल्यू डाली, और यहाँ पर एक मेरे पास क्या आ गया, एक कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट आ गया। ऐसे एक और पॉइंट्स मैं ले लेता हूँ सिमिलर वैसी, इसे मैं कर देता हूँ 100, और इसे कर दिया मैंने 200, और जो यहाँ पे 65 है इधर मैं कर देता हूँ 75, और इधर मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पर ये आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ऐसे हमने रेफरेंस में पॉइंट्स क्रिएट कर लिए। अब इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हमें क्या ड्रॉ करनी है एक रेफरेंस में लाइन, या अगर आपके पास कोई पहले से पॉइंट्स हैं आप उस पर भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर करता हूँ लाइन पे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट वन एंड पॉइंट टू की ऑप्शन आ रही है। तो एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया ये, और एक ये, दोनों को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो एक आपके पास यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हुई, लाइन यहाँ पर आ गई रेफरेंस में। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट का और एक एंड का आ रहा है। स्टार्ट में आप कितना रखना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैंने 10 किया, तो ये देखो यहाँ से जिस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया, जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था उस साइड से आगे कितना मूव होगा, 10 mm। ऐसे एंड पॉइंट पे यहाँ पर अभी 0 पे है, जैसे अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25, ये देखो 25 और आगे एक्सटेंड होगा उस पॉइंट से। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो इन्हें। तो अगर आप इसे 0 करना चाहते हो 0 कर दो, क्योंकि अभी हम एंड टू एंड ही रखना चाहते हैं। नेक्स्ट एक इसमें ऑप्शन है इन्फानाइट स्टार्ट पॉइंट, तो जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो जो इसका स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से ये इन्फानाइट हो जाएगी। क्लियर? वैसे अभी हमें यहाँ पर इंटरफेस पे नज़र आ रही है कि यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, बट अगर हम जूम करेंगे तो इन्फानाइट ही रहेगी। क्लियर? सिमिलर वैसे ही यहाँ पर इन्फोनाइट एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट था, अभी एंड पॉइंट पे हो जाएगा इन्फोनाइट। क्लियर? तो जितना भी हम जूम आउट करेंगे वैसे इधर एंड हो गया, बट एक्चुअल में क्या है, अगर हम इसे जूम करते रहेंगे तो आपको इन्फोनाइट ही मिलेगी लेंथ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है इन्फोनाइट। तो इन्फोनाइट में क्या, बोथ साइड, स्टार्ट साइड एंड एंड साइड, बोथ साइड इन्फोनाइट क्या क्रिएट होगी, लाइन क्रिएट होगी। क्लियर? तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर लेंथ पे ही करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ओके पे क्लिक। तो ऐसे आप सिंपली यूज़ कर सकते हो रेफरेंस लाइन को। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं कौन सी आ रही है। सेकंड अब हमारे पास ऑप्शन है पॉइंट एंड डायरेक्शन। तो पॉइंट है या कोई एक आपके पास डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रेफरेंस में लाइन चाहिए तो वो ले सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चलो मैं कोई स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने फ्रंट प्लेन लिया और यहाँ पर पोजीशन स्केच पे कर दिया क्लिक, ओके कर दिया। चलो यहाँ पर मैं अभी ले लेता हूँ सप्लाई, कर्व क्रिएट कर लेता हूँ, और इधर कर दिया मैंने स्केप, और उसके बाद यहाँ पर एग्जिट वर्क बेंच पे कर दिया मैंने क्लिक। क्लियर? नेक्स्ट जैसे अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ लाइन पे, रेफरेंस लाइन पे, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रही है पॉइंट एंड डायरेक्शन। तो पॉइंट एंड डायरेक्शन को पिक किया, इसमें आप सिलेक्ट करोगे एक पॉइंट और दूसरा क्या डायरेक्शन, जैसे सिंपली इसमें गिवन है सिंपलर वैसे यूज़ करना है आपको। जितना भी अभी मैं बता रहा हूँ इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा, रेफरेंस क्रिएट करना। कोई मोस्टली स्केच क्रिएट नहीं कर रहे हम इनमें, सभी में सिर्फ यूज़ करके देख रहे हैं कि कैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हो इस टूल को। तो जैसे मैं अभी जूम कर लेता हूँ, तो एक तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पॉइंट और दूसरी डायरेक्शन। तो जैसे मैंने एक पॉइंट लिया ये वाला, अब आ गया डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ
यहाँ पर एक लाइन शुरू होगी बनने। तो जैसे यहाँ पर एंड में आ रहा है ना 20, तो जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100, तो ये देखो यहाँ पर एक 100 तक एक लाइन क्या होगी, एक्सटेंड होगी। एक तो आपने रेफरेंस में पॉइंट सेलेक्ट करना है, दूसरा क्या आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। तो ऐसे आप इसमें यूज कर सकते हो। बाकी सिमिलर ये जो पॉइंट्स हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सिमिलर वैसे ही है ये भी। क्लियर? यहाँ से रिवर्स करना चाहो मिरर में, क्या कि जितना आपने फॉरवर्ड में डिस्टेंस लिया उतना ही बैकवर्ड हो जाएगा, एंड रिवर्स में क्या है कि इसके डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सिंपल ही है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके पे क्लिक। तो ऐसे आप रेफरेंस में अगर लाइन क्रिएट करना चाह रहे हो पॉइंट और डायरेक्शन के हेल्प से, तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एंगल नॉर्मल टू कर्व। एंगल और नॉर्मल टू कर्व है, इसमें आपको क्या है कोई कर्व है उसके नॉर्मल टू एक आपको रेफरेंस में लाइन क्रिएट करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कर्व, कर्व को कोई सिलेक्ट करो। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर इस सप्लाइन कर्व ड्रॉ करी थी, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ गए यहाँ पर पॉइंट, कोई एक पॉइंट लो जहाँ से आपको एक लाइन चाहिए, ठीक है, नॉर्मल टू। तो जैसे मैं एक जैसे ये एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो एक आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, ये कौन सी है आपकी, नॉर्मल टू। और यहाँ पर आपने जो भी एंगल दिया है, इसको हमें जूम कर लेते हैं, आपको ये डॉटेड नज़र आ रही होगी। तो एक नॉर्मल टू ऐसे एक लाइन क्रिएट हो रही है, बट यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पर मैंने 40 कर दिया। क्लियर? और लेंथ डिस्क्राइब करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे 100 है, इसकी जो लेंथ है 100 रहेगी। ये पॉइंट और कर्व की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? जैसे ये यहाँ पे आ रहा है ना नॉर्मल टू का, तो ऐसे ले सकते हो। नॉर्मल टू कौन सा होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तो वैसे कोई कस्टम एंगल लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। क्लियर? और बाकी ये सेम वही है हमारे पास ऑप्शंस। डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हो। ये जो है यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ना, कर्व जा रही है, इसके बिल्कुल ऐसे टेंजेंशियली शुरू हो जाएगी डॉटेड लाइन, और उसके कंपेरेटिव में आपके पास एंगल बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आप इसमें एंगल भी ले सकते हो कि कैसे हम काउंट करेंगे। तो एक ऐसे नॉर्मल टू एक लाइन जाएगी। क्लियर? मीन्स ये जो टेंजेंशियली लाइन जाएगी उसके अबाउट आप उसमें क्या ले सकते हो, एंगल ले सकते हो। तो इतना हमने क्रिएट कर लिया पॉइंट एंड नॉर्मल टू कर्व। नेक्स्ट एंगल नॉर्मल टू कर्व। नेक्स्ट अब हमारे पास है टेंजेंट टू कर्व। जैसे अभी हमने एक डॉटेड लाइन देखी थी पहले ग्रीन वाली, सिमिलर वैसे अब हमें क्या चाहिए, लाइन चाहिए वैसी। अब डॉटेड में नहीं चाहिए, अब हमें कॉन्टिन्यूस में चाहिए, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्लिक करते हैं टेंजेंट टू कर्व। टेंजेंट टू कर्व पे किया क्लिक, अब हमारे पास आ गया कर्व। तो कोई भी एक कर्व ले लो, जैसे मैंने ये ले ली कर्व। और अब यहाँ पर आ गया एलिमेंट्स, जो ये पॉइंट आ रहा है, तो सिमिलर मैं वही ले लेता हूँ। ये देखो सिमिलर वही पॉइंट्स अब आपको नज़र आएगा। मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ। देखो यही प्रीवियस आपको यही लाइन नज़र आ रही थी ना डॉटेड्स में, अब वही क्या है टेंजेंशियली लाइन आपके क्या है कॉन्टिन्यूस में आ गई। तो मेन इनका फंक्शन क्या है कि रेफरेंस क्रिएट करना है, रेफरेंस में लाइंस क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ कर्व, टेंजेंट कर्व, पॉइंट, डायरेक्शन। क्लियर? बाकी जो ऑप्शंस है वो सिमिलर ही हैं जो हमने प्रीवियस यूज करी थी अभी इसके टाइप्स में। क्लियर? तो ऐसे आप रेफरेंस में लाइन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसकी जो ऑप्शन है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है नॉर्मल टू सरफेस है। अब क्या है जो है वो नॉर्मल टू सरफेस। तो पहले अभी हम सरफेस क्रिएट करते हैं सरफेस। चलो अब हम कर्व से ही ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कर्व है इसके एक हम सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे स्टार्ट में शेप में, और यहाँ पे जनरेटिव शेप डिज़ाइन, यहाँ से हम क्या सरफेस में एंटर कर जाएंगे। और इससे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सट्रूड सरफेस, और ये सरफेस मैंने क्या कर ली सिलेक्ट कर ली। जितना भी आप देना चाहते हो एक्सट्रूजन वो दे सकते हो, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओके। तो एक हमारे पास ये क्या बन गया, एक सरफेस क्रिएट होगी, ये आपको येलो कलर में नज़र आ रही होगी, ये क्या हमारी एक सरफेस क्रिएट है। तो अभी दोबारा मैं उसी में एंटर करता हूँ पार्ट डिज़ाइन में। तो हम यहाँ पे पार्ट डिज़ाइन में एंटर हो चुके हैं, और दोबारा भी हम यहाँ पर जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर आएगा नॉर्मल टू सरफेस। तो जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल टू सरफेस किया, अब ये सरफेस के नॉर्मल टू एक लाइन क्रिएट होगी, बट उसमें एक आपको पॉइंट भी चाहिए होगा। तो अगर आपको कोई सरफेस पे पॉइंट चाहिए तो वो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें सरफेस पे पॉइंट चाहिए, तो अगर कॉर्नर पॉइंट है वो तो हम इजीली ले ही सकते हैं। अगर सरफेस के ऊपर पॉइंट है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको।
तो इसके लिए आपको पॉइंट में जाना है। तो पहले एक पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं हम सरफेस पे। तो यहाँ पे देखते हैं ओन सरफेस, ये आ रही ऑप्शन। तो यहाँ पे हम सरफेस क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लिया और ओके कर दिया। तो आपको ये एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है सरफेस के ऊपर। अब इसी की हेल्प से हम यूज़ करते हैं ये लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल टू सरफेस, इसको हमने किया सिलेक्ट, सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। अब आ गया यहाँ पर पॉइंट, या रहा ना पॉइंट नो सिलेक्शन, तो पॉइंट को किया सिलेक्ट। अब देखो इस पॉइंट और सरफेस के नॉर्मल टू आपके पास एक क्रिएट हो चुकी है रेफरेंस में लाइन। जितना भी आप डिस्टेंस डालोगे उतनी वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज करनी है रिवर्स करनी वो हो जाएगी। देखो आपको ये एंगल में नज़र आ रही होगी, ये एंगल में नज़र आ रही, क्योंकि ये सरफेस भी आपके किसी एक एंगल पर होगी, तो उसके नॉर्मल टू मीन्स 90 डिग्री पे कि ये आपकी क्या बनी है, एक लाइन बनी है रेफरेंस में उस पॉइंट से सरफेस के साथ। क्लियर? तो ये डिफरेंस है इसमें। ऐसे किसी भी सरफेस में नॉर्मल टू आप क्या क्रिएट कर सकते हो, लाइन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें लास्ट ऑप्शन है वो है बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग क्या है, किसी दो लाइंस के बिटवीन आपको एक रेफरेंस में लाइन चाहिए तो वो भी ले सकते हो। तो जैसे अभी यहाँ पर मैं बाइसेक्टिंग पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया लाइन वन एंड लाइन टू। तो कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो आप। तो जैसे एक मैंने ली ये वाली लाइन और एक ली ये वाली लाइन। अब इन दोनों के रेफरेंस में एक यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, तो वो ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना नेक्स्ट सॉल्यूशन और रिवर्स डायरेक्शन, तो ऐसे भी आप ले सकते हो। क्लियर? तो ऐसे लाइन क्रिएट करना चाहो वो भी क्रिएट कर सकते हो, या इसकी डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। क्लियर? और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ या नेक्स्ट सॉल्यूशन, ओके किया। ये देखो तो यहाँ पर अब इन दोनों के बिटवीन क्या क्रिएट हो चुकी है, एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो ये कौन सी हमारी है, बाइसेक्टिंग लाइन, जो दोनों के बिटवीन डिवाइड करे वो होती है हमारी बाइसेक्टिंग लाइन। तो रेफरेंस एलिमेंट्स में आप ऐसे यूज कर सकते, देख सकते हो ये जो हमारे पास था रेफरेंस लाइन रेफरेंस एलिमेंट्स में, और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थी जो हमने इसमें डिस्कस करी। तो ऐसे आप इजीली इसमें यूज कर सकते, देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप इसके जो टाइप्स हैं रेफरेंस लाइन के वो कैसे यूज कर सकते हो। इसमें मोस्टली हमने कोई पर्टिकुलर कोई 2D या 3D का स्केच क्रिएट नहीं किया, सिंपली यूज़ करके देखा कि ये टूल कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसे आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहो रेफरेंस में तो वो यूज़ करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।